ओके में काम करने के बाद से श्रुति झा और अर्जित तनेजा अच्छे दोस्त हैं। दोनों को इन दिनों जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए में लीड जोड़े के रूप में देखा जा रहा है। कहानी अमृता और विराट के बारे में है, जो प्यार और शादी के बारे में अलग अलग राय रखने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अमृता प्यार और शादी में विश्वास करती है, लेकिन विराट को प्यार में पड़ने के विचार से ही नफरत है। देखा जाए तो ये शो जब से शुरू हुआ तभी से दोनों के फैंस को ये दोनों काफी पसंद आ रहे हैं। शो में अमृता और विराट की खटपट अक्सर फैंस का ध्यान खींचती है। जहां एक तरफ नए नए शो कमाल नहीं कर पाते, जनता के बीच में ज्यादा ध्यान का केंद्र नहीं बन पाते, तो वहीं ये शो टीआरपी के मामले में भी ठीक ठाक कमाल करता नजर आ रहा है और हिट शो की लिस्ट में शुमार हो चुका है। लेकिन आखिर किस कारण ये शो जनता के दिल तक उतर पाया, कैसे स्मृति और अर्जित की केमिस्ट्री इतनी हिट साबित हुई, इसका राज अब खुद ही दोनों स्टार्स ने खोल डाला है। दरअसल एक जानी मानी एंटरटेनमेंट पोर्टल से बातचीत में स्मृति झा ने खुलासा किया कि वो और अर्जित एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कम्फर्टेबल फील करते हैं। एक दूसरे के साथ शूटिंग करने में इतने कम्फर्टेबल होने से इसका फायदा शो में दोनों की केमिस्ट्री में होता नजर आया है। ई टाइम से बातचीत में स्मृति ने कहा कि अर्जित के साथ काम करने पर सीन मजेदार आते हैं। उन्होंने शेयर किया कि टीवी शो के लिए काम करते समय लोग सेट पर बहुत समय बिताते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है जब कोई थका हुआ, गुस्सा, उदास या इमोशनल होता है और उस समय वो इसे अपने दोस्त के सामने व्यक्त कर सकता है। स्मृति आगे कहती है, वो जो एक सेंस ऑफ कम्फर्ट है वो सेट पर, वो इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये है मेरे साथ तो है। ऑफ कोर्स इट डजंट मीन आई टेक हिम फॉर ग्रांटेड। तो वही अर्जित श्रुति के साथ काम करने और अपनी सीजनिंग केमिस्ट्री को लेकर कहते हैं, दोस्त के साथ काम करने का फायदा है। उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने कुमकुम भाग्य के बाद और कैसे मुझे तुम मिल गए से पहले कई शो किए, लेकिन जब कोई किसी नए व्यक्ति के साथ काम करता है तो कम्फर्ट होने में समय लगता है। हालांकि उन्हें और श्रुति को टाइम नहीं लगता क्योंकि वो एक दशक से दोस्त है। तो देखा जाए बात तो सही है, जब कोई पहले से ही किसी को जानता हो, अच्छे दोस्त हो, तो रियल बॉन्ड एक्टिंग और परफॉर्मेंस को और भी दमदार बना देता है और इन दोनों की गहरी दोस्ती का ही असर है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेस्ट साबित हो रही है और ये शो जनता के बीच में खूब धमाल मचा रहा है।